बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो जी। वेलकम टू न्यू वीडियो। ईद का दिन है आज, और आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी सी बकरा मंडी वगैरह भी दिखाऊंगा। कल मैं गया था थोड़ी, वहाँ से वीडियो बनाई थी, और वैसे मैं गया हुआ था मुल्तान, वहाँ से तकरीबन खाली वापस आया हूँ ईद से एक दिन पहले। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ ही इन्जॉय करें आज की वीडियो। मैंने कहा ज़रा बकरा मंडी चेक करवाते हैं आपको जी। बड़े कमाल माल के बैल लगे हुए हुए। छोटे साइज का बैल, छोटे साइज का, ये वाला छोटे साइज का बैल है। छे बटे कट्टे बैल, इस बार मंडी कुछ खास नहीं है, खरीदार एक भी नहीं है और बेचने वाले बहुत सारे आए हुए हैं। सारे लोग कह रहे हैं हम यहाँ से जा रहे हैं। मॉर्निंग हो गई है जी, रेडी वगैरह मैं हो गया हूँ, नहा धो के कपड़े वगैरह पहन लिए, अभी जा रहा हूँ मैं ईद पढ़ने के लिए, और ईद वगैरह पढ़ के उसके बाद फिर खाना वगैरह होगा, खाना वाना खा के फिर इंशाल्लाह कहीं पर निकलेंगे आज। लेट्स सी आज हम कहाँ पर जाते हैं चलो जी मुबारक, चलो चलिए करैल पास हौले हौले गोश्त हाले सत्ते सवेरे। चलो जी चलो गोश्त चलो जी, बेरा पढ़ के भी निकले जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाय फाइनली जी मैं जा रहा हूँ, अभी फ्री होके खाना वगैरह खा के आज स्विमिंग पूल पे नहाने के लिए। चलो जी, घर से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था सुबह तकरीबन 10 बजे, और सबसे पहले हम यहाँ पे सुहावा पहुँचे। सुहावा ये थाना है जहाँ से हम निकल के फिर हमने तरक्की टूर प्लाजा की तरफ यहाँ से सफ़र स्टार्ट किया था। तरक्की टूर प्लाज़ा के पास इतने ज़्यादा पहाड़ हैं, ये ग्रीनरी जितनी भी है सारी बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू देखने को मिलता है। इस जगह पे साथ रेलवे लाइन जा रही होती है, और इस साइड पे राइट साइड पे हमारे जो है इतने ज़्यादा पहाड़ होते हैं, सारा पहाड़ों का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम हो के तकरीबन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा दीना अभी यहाँ से 22 किलोमीटर आगे, और 22 किलोमीटर दीना क्रॉस करके फिर आगे डुमेली मोड़ से होते हुए ये पहाड़ों के दामन में, ख़ास दामन से निकल के इतने ज़बरदस्त व्यू यहाँ से हम देखते देखते हम तकरीबन पूरे 2 घंटे के बाद हम मेन जगह पे पहुँच चुके थे। फाइनली जी मैं यहाँ पे पहुँच आया हूँ, पहुँच तो मैं हूँ लेकिन यहाँ पे नहाने का दिल नहीं कर रहा। जो यहाँ पे सूरत हाल बनी हुई है ना, ये चेक करो, बड़ी आवाम है भाई, बड़ी आवाम है। आ गया देवी जी, नासा ना चल मार छाल, ओए मार छाल, ओए चल मार छाल, मैं तक किसा छाल मारना है, यार दे यार दे यार दे
चल दे भी जान दे ये है जी यहाँ का पार्किंग स्पॉट। ये मैंने अपना बाइक खड़ा किया यहाँ पे। आसपास की जगह मैं दिखाता हूँ थोड़ी सी आपको। ये है जी यहाँ का व्यू पॉइंट। यहाँ पे शाम को बैठ के लोग व्यू वगैरह लेते हैं इस जगह का। ये पानी चेक करो आगे माशाल्लाह। ये नज़ारा चेक करो, ये सारा आगे व्यू पॉइंट है। वो सामने कश्तियाँ वगैरह भी हैं अगर कोई बंदा यहाँ पे बोट वगैरह यूज़ करना चाहता है तो। मेरे ख्याल से इसका मुझे टिकट नहीं पता, लेकिन ये जो स्विमिंग पूल है ना वही साइड पर बना है। जो स्विमिंग पूल का टिकट है वो 100 रुपये टिकट है यहाँ के। ये डुमेली जगह का नाम है जहाँ पे ये बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे रश इतना कुछ ज़्यादा है। आया तो मैं यहाँ पे नहाने के लिए था, लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा ना रश और लड़कों का सुत्याल नहाने का तरीका कार देखा तो बस नहीं जाने का दिल किया। बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई हुई है तो बगैर नहाए ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। मैंने नहाने का जो है ना कोई सिस्टम नहीं सोचा। यहाँ पे ये बने हुए हैं बैठने के लिए होटल वगैरह। यहाँ पे शाम के टाइम तकरीबन रात को यहाँ पे ना ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि अभी धूप है ना, गर्मियाँ हैं जो कि तो इतना ज़्यादा नहीं है रश इस जगह पे। वो उधर झूले वगैरह बने हुए हैं और इस साइड पे यहाँ पे ये खाने पीने का सिस्टम होता है, लेकिन अभी आई थिंक बंद है सारा कुछ। जी मैं जा रहा हूँ अभी वापस। हम वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुके, मैं नहाया भी नहीं क्योंकि पानी अच्छा नहीं था। बहुत ज़्यादा लड़के वहाँ पे आए हुए थे और स्विमिंग पूल बहुत छोटा था तो पाँव धरने की जगह नहीं थी वहाँ पे, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं नहाया और लिहाजा हम टाइम से वहाँ से निकले। तकरीबन एक घंटा हम वहाँ पे रहे, दो सात लड़के थे वो नहाते रहे और फिर हम वापस आ गए। और अभी हमारा सफ़र जा रहा है घर वापसी के लिए। अभी चलते हैं डुमेली मोड़। लो जी मैं पहुँचा हूँ जी डुमेली मोड़। यहाँ की मशहूर है जलेबी, मरसे, पकौड़े। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, नाम फ्रियत है। किस है किलो जलेबी मरसे? जलेबी 480 रुपये किलो है। मरसे? मरसा 480 है, 520 है, छोटा 560 है। 580 देख 480 है, ठीक हो गया। हाय हाय बनाओ जी, कौन चला बनाओ? चला बनाओ जी साहब जी। स्पेशल जलेबी चलने वाले जबरदस्त हो गया। स्पेशल जलेबी चलने वास्ते लाइए जलेबी बड़ी मशहूर है डुमेली की जलेबी। जी मोटी होनी है, मोटी मजे नहीं होनी है ना, पतली है ना मजे नहीं। जलेबी थोड़े फ्रेश है ना जी, ये ठंडे नहीं पिछले ये था। थोड़े मजे के हैं जबरदस्त है, ठीक है गर्म है ताज वो तुम गर्म नहीं। कितने पास ले भी ने? वही गए हाँ हाँ वही गए वही गए सारे अलग है। वो खैर गर्म नहीं, रस्से जलेबी ले लिए, अभी आगे चल के पकौड़े लेते हैं। सारी गर्म जो पकौड़े वो कितने पाऊँ?
अच्छा सुहावे ने जी ग्रां जी आई है कोट दमयाक तरक्की जोड़े सारा अपना इलाका अगे आए इधर जी छापर पढ़ लिया जी मसाला चेंज जो पहले एक कम मर्चा होता है फ्रेश है मरसे बड़े मजे नहीं थे ना चलो भूल गया जी हमने कहा ये पानी वगैरह ठंडा वगैरह पी लिया जाए सेवन अप मजा नहीं है कोनी दुमेली मॉल की मशहूर जलेबी है पकौड़े भी पकौड़े भी हैं मशहूर पकौड़े तो मशहूर जलेबी और हम मेरा सेब मेरा अमृत रास्ते में कैब गिर गई थी उसके लिए रुके अभी बाइक चला रहा था लड़का आप कैब गिर गई वो उठाने के लिए भी पीछे गया है वापस ये व्यू चेक करो ज़रा कितने मज़े का है यहाँ से घर तकरीबन हमारा और आधा घंटा रहता है फिर हम पहुँच जाएंगे ये हम खड़े हैं अभी तक की टूल प्लाजे के पास सिविक ऊंचे ऊंचे पहाड़ मैं घर वापस पहुंच चुका हूं लेकिन घर आते ही जो बैड न्यूज़ मिली है घर आया हूं तो सारे बच्चे ना इस टैंकी के अंदर घुसे हुए थे नहाने के लिए सारा पानी गंदा कर दिया और ये कचरा इतना डाल दिया इसके अंदर आके मैंने भी इसका ये वाला पाइप खोला यहां से इसकी सफाई की अभी इसको मज़ीद पानी डाल के इसको साफ़ कर रहा हूँ बच्चे कहते हैं कि जी वो चले गए हमें साथ नहीं लेके गए स्विमिंग पूल में नहाने के लिए तो हम भी नहाएंगे तो पीछे घर वालों ने कहा कि ठीक है जी टैंकी में घुस जाओ तो पानी की टैंकी की में घुस गए आधी टैंकी थी सारी ख़राब कर दी पानी की तो अभी वापस आके तब से मैं लगा हूँ हालत बिगड़ी हुई है इसको ठीक कर रहा हूँ अभी इसको फिल करके फिर फ्री होऊंगा खैर आज की वीडियो में यहीं पर ख़त्म करूँगा जी जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़